नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पर आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो भी स्टूडेंट जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी या उसके अफिलेटेड कॉलेज में जो है एलएलबी 3 इयर्स के आप लोग जो है 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में हो चुके हैं, क्योंकि 3rd सेमेस्टर का आप लोग जो है एग्जाम दे चुके हैं। अब जो है आप लोग वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो रिजल्ट कब आएगा, जो है कितने टाइम आएगा, कौन से मंथ में आएगा, ये चीज मैंने आपको जो है एक वीडियो के माध्यम से बता भी दिया और मैंने कहा था उस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जो है नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से करिएगा। ठीक, क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास कि सर पहले आप सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दीजिए, जो है पूरी तरीके से जो है फुल डिटेल में आप सिलेबस बता दीजिए, कैसे पढ़ना है, कौन सी यूनिट पढ़ना है, कितने यूनिट पढ़ना है, कौन से सिलेबस में जो है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये चीज आप पहले बता दीजिए, फिर इसके बाद फिर जो है हम लोग तैयारी स्टार्ट करें। ये बच्चों का क्वेश्चन बहुत दिनों से आ रहा था, मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा था तो इसलिए मैं नहीं बता पा रहा था, लेकिन मैंने टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए ऑफिशियली जो है मैं जो है टाइम निकाला हूँ यही चीज जो है बताने के लिए। तो आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखना होगा और मेरे साथ ऐसे ही कनेक्टिविटी बना के रखना होगा और मेरी हर एक बातों को ध्यान से और सही तरीके से सुनना होगा। ठीक, एक एक पॉइंट को अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप लोगों को बता दूं जो है, अगर आप लोग मुझसे नहीं जुड़े हैं अभी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, अधिक से अधिक लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। प्लस अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग ज्वाइन भी होइए, नीचे जो है सारी चीजों का लिंक मिल जाएगा। प्लस अगर आप लोग मेरे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है एमएस क्लासेस नाम का तो आप लोग जो है इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक, अगर आप लोग नए जुड़े होंगे नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग पुराने हैं, जो लोग बच्चे मुझे जान रहे हैं पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं तो उनको पता चल चुका होगा कि मेरा ऐप कितना जो है आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, आपको हेल्प किया होगा जो आपके इस सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर में, तो अब 4th सेमेस्टर की बारी आ चुकी है, अब आप तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, अब जान लीजिए, चलिए जान लीजिए जो है आप लोग जो है सिलेबस में कौन कौन से जो है सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कितने यूनिट पढ़ने हैं। ठीक, अब टॉपिक के बारे में भी जो है थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। अगर आपको फुल डिटेल में सिलेबस चाहिए तो आप लोग मेरे ऐप से जाकर के, फिर भी जो है मैं आप लोगों को डिटेल में ही बताऊंगा। अब टॉपिक वाइज जो बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा मुझे बताने में और समझाने में, और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, चलिए जान लीजिए जो है आप लोग को जो है अब 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो पहला पेपर आप लोगों का है लॉ ऑफ एविडेंस, एविडेंस एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आप लोग का जो है 1872 मतलब 1872 का जो ये कानून है आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसमें आप लोग का जो है 1st यूनिट है, 2nd यूनिट है एंड 3rd यूनिट है एंड 4th यूनिट है। अब इसमें आप लोगों का जो है 1st यूनिट में वही पढ़ना है रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है क्या, इसमें जो है एविडेंस कैसे जो है कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें आपको जो है 1st यूनिट में पढ़ना है मोटी मोटा। ठीक, अब इसमें डिटेल वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस चाहते हैं तो आप लोग मेरे ऐप पर जाइए, इंस्टॉल करिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा, एमएस क्लासेस डालिएगा प्ले स्टोर पर, वहाँ सबसे पहले ऊपर ही आ जाएगा। नहीं तो आप लोग मुझे जो है 7985535999 पर कॉल मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको जो है लिंक उसका शेयर कर दूंगा, नहीं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑलरेडी दिया जाएगा, आप लोग वहां से जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, अब जाने जो है इसमें 2nd यूनिट में एडमिशन करके जो है दिया गया है आप लोग का जो है ड्राइंग जो है डिक्लेरेशन करके दिया गया है, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है, इसका राय एविडेंस से रिलेटेड जो है ये चीज आपको जो है 2nd यूनिट में पढ़ना है। 3rd यूनिट है जुडिशियल नोटिस से रिलेटेड होता है, और भी जो है कुछ ओरल जो है डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, ये सब सारी चीजें आपको जो है 3rd यूनिट में पढ़ना है। ठीक, करीबन 4 से 5 टॉपिक है। अब इसके बाद यूनिट नंबर जो आप लोग का जो है 4 है आप लोग का एविडेंस से जो है रिलेटेड जो है आपको इसमें भी रिलेटेड है, लीडिंग जो है क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, आप लोग का जो है इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, ये सब सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब जानिए आप लोग जो है 2nd जो है आप लोग का जो है सब्जेक्ट है, ये 2nd आप लोगों का है लेबर लॉ का जो है 2nd पार्ट, आप लोग 1st पार्ट आप लोग जो है 3rd सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, अब इसमें आपको 2nd पार्ट पढ़ना है। ठीक, लेबर लॉ का इसमें भी आप लोगों को 4 यूनिट पढ़ना है। ठीक, 4 यूनिट के जो है जो टॉपिक है वो आपको जो है डिटेल वाइज सिलेबस में मिल जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद आप लोग अब जानिए जो आप लोग को जो है 3rd पेपर क्या पढ़ना है, 3rd पेपर है एनवायरमेंटल लॉ एंड जो है फॉरेस्ट लॉ एंड जो है एनिमल्स प्रोटेक्शन लॉ करके दिया गया है, ये चीज आपको जो है पढ़ना है पेपर नंबर जो है 3rd में। अब इसको जो है बताना उचित होगा क्योंकि आप लेबर लॉ से रिलेटेड चीज जान रहे हैं कि लेबर लॉ में क्या होता है कैसे होता है, उसी का 2nd पार्ट पढ़ना है।
ठीक। अब इसमें आप लोग नहीं जाने तो इसमें आप लोग को बता दो, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट होता है उससे रिलेटेड आप लोगों को इसमें जो है कानून बताए जाएंगे कि इन्वायरमेंट से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसके राइट्स होते हैं, अगर आप इसे नष्ट करते हैं या इसे आप धूमिल करते हैं तो क्या आपके ऊपर केसेस हो सकते हैं, क्या आपके ऊपर चार्ज लग सकते हैं, ये चीज़ आपको जो है इसमें बताया जाएगा। और इसमें फॉरेस्ट से रिलेटेड आप जंगल को काट रहे हैं तो इसमें क्या लाभ होगा, मतलब इसमें क्या कानून होगा, आप पेड़ों को जो है नष्ट कर रहे हैं या कोई जो है दिक्कत आपदा ला रहा है, ये चीज आपको इसमें बताया जाएगा। और एनिमल से रिलेटेड, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब जानवरों से रिलेटेड आप लोग को जो है इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसमें भी आप लोग को चार यूनिट में बांटा गया, ये चार यूनिट आप लोगों के है। अब जानिए जो है फोर नंबर पेपर आपको पढ़ना है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड जो है लॉ ऑफ जो है लिमिटेशन के आप लोग का जो है सेकंड पार्ट आपको पढ़ना है। फर्स्ट आप लोग जो है जिसे हम सीपीसी कहते हैं, फर्स्ट आप लोग जो है थर्ड जो है आप लोग जो है सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, आप फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को जो है इसका सेकंड पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, सीपीसी जिसे हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं, इसमें आप लोग का जो है चार यूनिट है। पहला यूनिट आप लोग का जजमेंट एंड जो है डिग्री से रिलेटेड है, इसे आपको पढ़ना है। सेकंड यूनिट आप लोग का क्या है, एजुकेशन करके दिया गया है, आप लोगों को इसमें पढ़ना है। ठीक, अब थर्ड यूनिट क्या है, अपील से रिलेटेड है, अपील कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कितने काइंड्स होता है, कितने कितने प्रकार के अपील होते हैं, कैसे हाई कोर्ट में होगा, कैसे सिविल कोर्ट में होगा, कैसे जो है आप लोग के जो है सुप्रीम कोर्ट में होता है, कब अपील होता है, ये चीज़ आप लोगों को जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक, सिविल लॉ से रिलेटेड। अब चौथा यूनिट आप लोग का है लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड जो है रजिस्ट्रेशन करके दिया गया है, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये चार यूनिट आप लोगों के। अब जो है आप लोगों का नेक्स्ट पेपर है, पांचवा नंबर पेपर है कोड ऑफ क्रिमिनल आप लोग का जो है प्रोसीजर आप लोग का सेकंड पार्ट जिसे हम सीआरपीसी कहते हैं, आप फर्स्ट पार्ट जो है थर्ड यूनिट थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं और आप लोग जो है सेकंड पार्ट इसका जो है आप लोग जो है फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक, इसमें आप लोगों को जो है चार यूनिट में बांटा गया है, ये चार यूनिट में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट यूनिट आप लोग का इंट्रोडक्शन टू ट्रायल प्रोसीजर करके जो आप लोग का दिया गया है, इसमें आप लोग को ये पढ़ना है। ठीक, और सेकंड आप लोग का जो है यूनिट है आप लोग का ट्रायल से रिलेटेड, ट्रायल कैसे होता है, कितने तरह के होते हैं, कब ट्रायल जो है होता है सीआरपीसी के केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, ये चीज आप लोगों को इसमें पढ़ना है। तीसरा यूनिट क्या है, अपील रिवीजन एंड जो है रिफरेंस के बारे में पढ़ना, अपील एंड रिवीजन एंड रिफरेंस इसका क्या हो सकता है, ये चीज आपको जो है थर्ड यूनिट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चौथा आप लोगों का जो है रिलेटेड है, चौथा यूनिट आप लोगों का जो है बेल एंड जो है आप लोग का जो है सेंटेंसिंग करके दिया गया है, ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, बेल से रिलेटेड जो है, बेल कब मिलता है, कब ग्रांट होते हैं, बेल कितने प्रकार के होते हैं, बेल कैसे हाईकोर्ट में लिया जाता है, कब जो है क्रिमिनल केसेस में बेल लिया जाता है, कब जो है बेल जो है दायर किया जा सकता है, दाखिल किया जा सकता है, कब हमें बेल मिल सकता है, कितने टाइम तक मिल सकता है, कौन से केसेस में मिल सकता है, ये चीज आपको डिटेल वाइज इस यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक, ये आप लोग का पांचवा पेपर हुआ। अब छठवां पेपर आप लोगों का है प्रॉपर्टी लॉ एंड जो है एस्टीमेट करके दिया गया, प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड है ये प्रॉपर्टी लॉ, आप लोगों का जो है न्यू पेपर है, आप लोग जो है पहली बार इसे पढ़ेंगे तो इसे सही तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इसमें भी चार यूनिट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब जमीन से रिलेटेड इसमें कानून आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड जो है जनरल प्रिंसिपल एंड रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये चीज आपको जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको लोगों को जो है फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया जाएगा। सेकंड यूनिट आप लोगों का है जनरल प्रिंसिपल जो है कन्वेयरिंग आप लोग का जो है ट्रांसफर एंड जो है इमोबल प्रॉपर्टी के बारे में, आपको इमोबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जा सकता है, इसके राइट्स, इसके रेमेडीज, ये सब सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे जो है बेकायदे जो है आपके जो है क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। नहीं अगर आपको लोगों को पढ़ाया जाएगा, अगर आप लोग क्लासेस नहीं कर रहे, अगर क्लासेस भी कर रहे हैं वहाँ नहीं समझ में आ रहा प्रोफेसर से, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है सारे चीज़ें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को जो यहाँ कवर करवाए जाएंगे, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, सब कुछ जो है आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, अब आप लोगों का जो है थर्ड आप लोगों का यूनिट है स्पेसिक जो है ट्रांसफर्स करके दिया गया है, ये चीज़ आपको पढ़ना है। चौथा क्या है इंस्ट्रूमेंट एक्ट करके दिया गया है, ये एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये हुआ आप लोगों का जो है पेपर। ठीक, अब आप लोगों का जो है यही हुआ, यही छह पेपर आपको पढ़ना है। ये नहीं आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़े थे और फर्स्ट सेमेस्टर में वो चीज़ पढ़े थे जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो आप लोग का, इसमें आप लोगों को ये छह पेपर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, इसमें इंटर्नशिप से रिलेटेड भी जो है कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप दे करके आए होंगे, इंटर्नशिप से रिलेटेड जो है आप लोग का एक पेपर था, एक वो था, तो वो चीज़ इसमें नहीं दिया गया। अब इंटर्नशिप से रिलेटेड जो है फिफ्थ सेमेस्टर में दिया जाएगा। ठीक, तो यही सब सारी चीज़ें थी, आपको डिटेल वाइज में वीडियो प्रोवाइड होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें।
आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है ये चीज मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग चाहेंगे कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, ये भी जो है अगर आप लोग जो है चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं या आप लोग मुझे कॉल मैसेज करके बताते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे लोगों के बीच में शेयर भी करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।